इंदौर पुलिस लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसते जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार के दिन पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए शहर के दो बड़े माफिया अमित टोंगिया और खलीलुर रहमान को धर दबोचा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लसूड़िया पुलिस ने शहर के बड़े बिल्डर और भूमाफिया अमित टोंगिया को गिरफ्त में लिया है। लसूड़िया पुलिस के अनुसार फरियादी आयुष जैन ने अमित टोंगिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि दिसंबर महीने में उसने अमित टोंगिया से निपानिया इलाके की एक बिल्डिंग में 38 लाख का फ्लैट खरीदा था, लेकिन बाद में पता चला था कि बिल्डर अमित टोंगिया को रजिस्ट्री करने का अधिकार ही नहीं है, जिसके चलते रजिस्ट्री शून्य हो गई। बता दें, पुलिस पहले भी अमित टोंगिया को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं एक दूसरे मामले में भूमाफिया खलीलुर रहमान क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा। भूमाफिया खलीलुर रहमान ने अपने साथी शेख मुस्ताक के साथ मिलकर मूसाखेड़ी क्षेत्र के मयूर नगर इलाके में नजूर की जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी काट कर प्लॉट और मकान बेचने का काम कर रहा था। इंदौर पुलिस दोनों ही भूमाफियाओं से कड़ी पूछताछ कर रही है। जमीन संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में जो पिछले दिनों में एफआईआर दर्ज हुई थी और लगातार कार्रवाई चल रही है, उसमें तीन गिरफ्तारियां पिछले 24 घंटे के दौरान हुई हैं। इसमें एक खलीलुद्दीन आजाद नगर में ये आरोपी है, मयूर गृह निर्माण समिति से संबंधित धोखाधड़ी में इसमें सहकारिता विभाग द्वारा एफआईआर कराई गई थी और ये मुश्ताक के जो मुख्य आरोपी मुश्ताक है उसके साथी के इसके एजेंट के रूप में कार्यरत थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरे थाना लसूड़िया में दो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें अमित टोंगिया एक मार्च 2019 में प्रकरण दर्ज था उसमें गिरफ्तार हुए और गोपाल गावंडे के विरुद्ध 45 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, उसमें इनकी आरोपी की गिरफ्तारी की गई।